देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। नमस्कार साथियों, मेरा नाम पुनीत पांडे है। मैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से केंद्रीय छात्र संघ उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। किस तरह की तैयारियां हैं आपकी चुनाव लेकर? तैयारियां तो मेरी चुनाव से रिलेटेड ये है कि 2017-18 का मेरा इनरोलमेंट है एमएलएसयू यूनिवर्सिटी में। मैंने बीकॉम की है, उसके बाद बीकॉम के बाद मैं अब एमए कर रहा हूँ आर्ट्स कॉलेज से। और हर स्टूडेंट, एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है, पुराना है नया, जहाँ तक हमारे लड़के हम नहीं पहुँचे। हर स्टूडेंट के घर से लेके कैंपेनिंग से लेके हर चीज़ें हमने आज की डेट में कॉलिंग वोलिंग सब चीज़ें कंप्लीट कर ली है। तो आज की डेट में ये सिचुएशन है सर कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलूँगा, पर इतना कॉन्फिडेंस जरूर है कि जैसे मैंने छात्रों के लिए हर जगह दौड़ा हूँ, मेरी टीम दौड़ी है, उस हिसाब से तो 101% अपना चांस इस बार सर सबसे ज़्यादा लगता है। चलिए, अगर आप जीत के आते हैं किस तरीके की चीज़ें हैं जो आप छात्रों के लिए? सर, अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मुझे इस बार उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनने का मौका मिलता है, तो मैं जीतने के बाद सबसे पहले तो इस यूनिवर्सिटी में सर हर बार मैं मुद्दा उठाता हूँ, पर उस पर मैं कभी कार्य नहीं कर पाता। जैसे कि अभी आप काउंसलिंग चल रही है, आप देख ही रहे हो, एक ये भगदड़ वगदड़ लाठीचार्ज वाठीचार्ज इन सब मुद्दों को एक वो क्लियरिटी इनको देने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जो भी एडमिशन होते हैं यूनिवर्सिटी में, मैंने पिछली बार भी ये मुद्दा उठाया था कि जैसे कि किसी स्टूडेंट का 3 नंबर पे 5 नंबर पे काउंसलिंग में मेरिट लिस्ट पे नाम है, वो किसी कारणवश नहीं आता है, तो उसका एडमिशन उसकी सीट किसी और को दी जाती है। मेरी सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि उस स्टूडेंट को कम से कम 3 से 5 दिन का अल्टीमेट मिलना चाहिए कि आप क्यों एडमिशन नहीं ले रहे हो, क्या नहीं हो रहा है, उसके बाद उसकी सीट किसी और को दी जानी चाहिए। क्योंकि कई बार कोई स्टूडेंट किसी एक्सीडेंटल प्रॉब्लम की वजह से किसी भी कारण से नहीं आ पाते, तो इसलिए उनको कम से कम यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से 3 दिन का अल्टीमेट मिलना चाहिए। उसके बाद मेरा दूसरा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है यूनिवर्सिटी की रिजल्ट व्यवस्था। रिजल्ट व्यवस्था ऐसी है कि किसका कब रिजल्ट जारी होता है, कब वापस हट जाता है, कब आ जाता है, कब रिवल का फॉर्म कोई भर रहा है, एक एक डेढ़ डेढ़ महीने तक रिवल के उनके रिजल्ट नहीं आते। जो ये फ्रॉडगिरी होती है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके ऊपर रंजिश लगाने का, उसको मतलब सुव्यवस्थित रूप से चालू कराने का सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरा ये रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं कमलेश डांगी, कला महाविद्यालय अध्यक्ष प्रत्याशी। आज हम आर्ट्स कॉलेज की काउंसलिंग हो रही है, तो मैं सभी छात्रों की मदद कर रहे हैं। छात्रों के लिए पानी की बोतल्स की व्यवस्था है, छात्रों के लिए गाड़ियों की व्यवस्था है, हर एक तरह की जिस भी तरह की छात्रों को हेल्प चाहिए। चुनाव जीतने इस बार मैं पूरे शुरू स्टार्टिंग फर्स्ट दिन से लगा हुआ हूँ, हर एक छात्र की मदद की है बिना किसी स्वार्थ के। हर एक काम में मैंने उन्हें हर समय, बल्कि जब कॉलेज का समय हो जाता था उसके बाद भी मैं उनके साथ खड़ा हूँ। रात में अगर किसी को मदद चाहिए तब भी मैं उनके लिए खड़ा था। तो मैं यही चाहता हूँ कि सारे जितने भी मेरे छात्र हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, वो इस बार मेरा समर्थन दें और मुझे विजय बनाएं। मैं रुचिका जाला कला महाविद्यालय से छात्र हितैषी के लिए चुनाव लड़ रही हूँ इस बार संयुक्त सचिव। बिल्कुल है ये। हाँ, कितने टाइम से आप चाह रहे थे कि आप स्टूडेंट्स के लिए? स्कूल से ही चल रहा है, करने का लड़ना है और जीतना भी है, पूरा सपोर्ट है यहाँ पे लड़कियों को। अब मेरी तरफ कमलेश भी अभी है। मतलब कि ज़्यादातर यहाँ पे किस लड़कियों की हेल्प करने का है, बिल्कुल जो भी लड़कियों को जिस तरह की हेल्प चाहिए मैं खड़ी हूँ वहाँ पे, हेल्प करने को तैयार हूँ, और जो भी काम होगा उनका मैं करूँगी। और मतलब नहीं, अच्छा रिस्पॉन्स है सर। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश वालिया है, मैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहा हूँ। अच्छा भाई, किस तरह की तैयारियाँ हैं और कितनी उम्मीद है? किस पार्टी की तरफ से खड़े हो रहे हो? विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, विद्यार्थी परिषद से ही दावेदारी करता हूँ। और आपको किस तरीके का लगता है कि अगर आप जीतते हैं तो क्या आपकी प्रायोरिटीज रहेंगी, क्या मुद्दे हैं आपके ध्यान में? विश्वविद्यालय का हर छोटा से छोटा मुद्दा हमारी प्रायोरिटी रहेगी,
भले वो एक बच्चे का मुद्दा हो तो भी हम उसको प्रायोरिटी से है ना उसी दमखम के साथ पूरा कराएंगे। और बड़े मुद्दे तो हमारे पास यही है, डिजिटल लाइब्रेरी के, छात्र परामर्श केंद्र के, यूनिवर्सिटी के अंदर सुरक्षा नहीं है, बहनें सुरक्षित नहीं है, तो उनके लिए कैमरे वगैरह और पूरी सिक्योरिटी की हमारा है मुद्दा है। एबीपी से ही क्यों विचारधारा? अच्छा, पिछली बार भी कई आपने घोषणाएं करी थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई होगी, किसकी जैसी कोई घोषणा है क्या जो पूरी नहीं हुई? पिछली बार जो भी अध्यक्ष पद के लिए जीते थे उन्होंने जो घोषणा की थी जो हर बार की जाती है, जी जी, ऐसा कुछ आपके दिमाग में है जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा अगर आप आते हैं तो मैं तो हर चीज करूंगा। पिछली बार जो हुआ है मेरे हिसाब से सब चल रहा है, अच्छा चल रहा है। विद्यार्थी परिषद कभी कमजोर नहीं पड़ती है, जो बोलती है वो करके रहती है। अभिषेक सिंह राव है, मैं आर्ट्स कॉलेज मास्टर्स की तैयारी कर रहा हूँ और मैं टीम डीएसआर से मेरे को चुना है इस बार, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स राइट्स। ये भाई अगर आपको फाइनल कर दिया गया है तो किस तरह का रिस्पांस आ रहा है, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो पूरे साल भर करते हैं, पूरे साल हम कॉलेज में एक्टिव रहते हैं, कभी भी छात्रों को कोई भी प्रॉब्लम होती है हम यहीं रहते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पिछले 12 साल से 2010 से डीएसआर टीम ही चल रही है और इस बार भी हमारे भैया समीर मेघवाल तैयारी कर रहे हैं अध्यक्ष जी, और मैं मास्टर जी तैयारी कर रहा हूँ, कैलाश जी उपाध्यक्ष तैयारी कर रहे हैं, ये मेरी बहन रितिका ये संयुक्त जी तैयारी कर रही है। हम सबका यही मोटिव है कि किसी भी छात्र को कोई कमी ना हो, हम सभी छात्र मेघवाल आर्ट्स कॉलेज अध्यक्ष प्रत्याक जी जी। कितनी उम्मीद है टिकट मिलने की, किस तरह की तैयारियां हैं आपके, दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, और अगर आप जीत के आते हैं तो क्या प्रायोरिटीज हैं? बिल्कुल अच्छा अच्छा मिल रहा है, और जीत के मैं ना जो ट्राइबल एरिया से जो बच्चे आते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप का यहाँ सेक्शन लगाऊंगा, कैंप लगवाऊंगा, और उनके लिए बहुत अच्छा करना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद ट्राइबल एरिया से हूँ। और इसलिए कौन सी पार्टी से आप? मैं डीएसआर ग्रुप है हमारा, आर्ट्स कॉलेज में चलता है, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट राइट्स टीम है हमारा नाम है, उससे लड़ रहा हूँ। क्या उम्मीद है? टिकट बिल्कुल मिल गया ग्रुप से मैं फाइनल। मैं मानचुकलाल मोहनलाल सुखड़े विश्वविद्यालय से भी उपाध्यक्ष की तैयारी कर रहा हूँ एबीपी से। भाई किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या उम्मीदें हैं और कितने साल से मेहनत कर रहे हो? तैयारी तो हर साल करते ही हैं, 5 साल से एडमिशन है कॉलेज में। कैसा रिस्पांस है? रिस्पांस तो अच्छा है, अच्छी खासी मेहनत है और संघर्ष कर रहे हैं विद्यार्थी परिषद से, अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि आप अभी देखिए आज से लिखती वक्त हुई तो मेरी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे अवसर भी नहीं आ सके, कैमरे लगे, सुरक्षा नहीं आ सकती, यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ों की कभी क्या हो जाता है कभी क्या हो जाता है, पूरी चीज़ें नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहले तो कैंपस में कैमरे होने चाहिए, पूरे कैंपस में डिजिटल कैमरे लगने चाहिए, आज डिजिटल लाइब्रेरी चलनी चाहिए 24 घंटे। बच्चे बाहर पढ़ने जाता है तो यूनिवर्सिटी की एक जिम्मेदारी होती है अपनी लाइब्रेरी 24 घंटे चालू रखे, तो ये मांगे हैं जिससे बच्चा बाहर पढ़ने नहीं जावे अपनी लाइब्रेरी में पढ़ सकता है। मेरा नाम राजकुमार माली है, मैं लॉ कॉलेज से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ और मैं LLM सेकेंड सेमेस्टर का अभी वर्तमान छात्र हूँ और लॉ कॉलेज से मैं तैयारी कर रहा हूँ इस बार। तो अभी जैसे काउंसलिंग का चल रहा है, हमारी काउंसलिंग चल रही है फर्स्ट ईयर की, तो स्टूडेंट्स के लिए हेल्प डेस्क लगाई गई है, सभी छात्र हमारी टीम जो है पूरी स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए लगी हुई है। और किस तरह की रिस्पांस है आपको स्टूडेंट्स का? स्टूडेंट का काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, सबकी हेल्प कर रहे हैं हम, आगे से जाके उनसे जो भी उनकी समस्याएँ हो रही है जैसे फीस जमा कराना, कैश काउंटर का या फिर चालान का या फिर काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स चाहिए उससे रिलेटेड हम सारी उनकी हेल्प कर रहे हैं, सबको मिलना वगैरह हो रहा है, तो अच्छा रिस्पांस है काफ़ी। मुद्दे सबसे पहले लोकल सबसे बड़े इशू है कि लोकल की कैंटीन, क्योंकि जो कैंटीन है वो लोकल से बिल्कुल पीछे की तरफ बनी हुई है, तो उसको क्या कैंटीन को आगे शिफ्ट कराना
सबसे पहले सामने वाली बिल्डिंग से रिलेटेड जो पार्किंग का इशू है वो करवाना, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड लॉ कॉलेज में बहुत सारी समस्या, क्योंकि लॉ कॉलेज में कुछ भी स्पोर्ट्स का रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो वो उसको लेके सबसे बड़े मुद्दे रहेंगे। मैं लॉ कॉलेज प्रेसिडेंट के लिए, मैं गौरवजन पूर्व अध्यक्ष विधि महाविद्यालय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। भैया मैं 2019 में अध्यक्ष बना था, उसके बाद 2020 में कोविड लग गया था, तो कोविड की वजह से इलेक्शन बंद हो गए थे। तो 2022 तक यहाँ कैंपस में कोई एक्टिव नहीं था, हमारी टीम के कुछ लोग यहाँ कैंपस में आते थे और मेरा कैंपस में आना रहता था हमेशा। कोई भी काम होता था किसी स्टूडेंट को तो वो फ़ोन से बात होती थी, कोविड में आना हो नहीं रहा था, तो जो भी समस्या आती उसके लिए हम काम करते थे। फिर वापस अगली बार, पिछली बार जो चुनाव हुए थे तो हमारी टीम से कैंडिडेट था संजय कुमार वैष्णव, तो हमारी टीम का जो पिछला रिकॉर्ड था उसको देखते हुए स्टूडेंट ने वापस हमारे भरोसा किया और वापस चुनाव जीते पिछली बार, और इस बार भी हमारी टीम से जो भी चुनाव लड़ेगा उसको चुनाव जिताएंगे। और जो स्टूडेंट हैं वो वैसे भी लॉ कॉलेज का स्टूडेंट काफ़ी समझदार रहता है, उसको पता है कि वो ऑलरेडी बीकॉम एमकॉम एमबीए सारी क्लासें पास करके आता है। प्रणाम, मेरा नाम विक्रम बादू है, मैं यूनिवर्सिटी महासचिव की तैयारी कर रहा हूँ, और आज हम आर्ट्स कॉलेज में काउंसलिंग चल रही है, नए स्टूडेंट आ रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं उनका इस विश्वविद्यालय और इस कला महाविद्यालय में स्वागत करता हूँ, और आज थोड़ा सा माहौल बिगड़ गया था किसी आपसी विवाद के कारण, अब शांतिपूर्ण काउंसलिंग चल रही है और मेरी पूरी टीम और हम सब छात्र यहाँ बच्चों की हेल्प के लिए तैयार हैं। किस तरह की तैयारियाँ हैं और कैसा रिस्पॉन्स मिला? तैयारियाँ तो देखो सर, मैं पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, और विश्वविद्यालय में ऐसा कोई ज्ञापन या कोई ऐसी घटना नहीं होगी जिसमें मैं छात्रों के बीच खड़ा नहीं रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो, हाँ, जो आपके साथ के स्टूडेंट हैं, हाँ, जिनसे आपको मिल रहे हैं, हाँ, उनका रिस्पांस किस तरीके का है? देखो सर, मैंने उनका काम किया है और उनके लिए मैं हर समय तैयार रहता हूँ, तो मेरे लिए तो उनका प्रेम मेरे को मिल भी रहा है और आगे भी मिलेगा। केंद्रीय छात्र संघ महासचिव। नाम और अपनी पार्टी बताते हो, कौन से पद के लिए आप? मेरा नाम कैलाश गुजर है, मैं टीम DSR से हूँ और यहाँ उपाध्यक्ष पद के लिए खड़ा हो रहा हूँ। हाँ, ग्रुप से जो मेरा 2019 से इन्वॉल्वमेंट है, मैं 2019 से मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ तक कि लॉकडाउन से भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे ग्रुप वालों ने फाइनल कर दिया। सर यहाँ जैसे जो ट्राइबल एरिया को तो भैया ने बताया, और जैसे बहुत से छात्र हैं जैसे स्कॉलरशिप के लिए परेशान होते हैं, दो साल तीन साल तक इनकी फ़ीस रिफंड नहीं होती है, जब एक एडमिशन कैंसिल होता है तो इनकी फ़ीस 1 साल बाद रिफंड होती है, ऐसा क्यों? ये काम होना चाहिए। हाँ, दिनेश डांगी नाम है, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष हूँ 2017 से, और अभी तक हमारी टीम से चुनाव जीत रहे हैं यूनिवर्सिटी उपाध्यक्ष के लिए। इस बार कैसी तैयारियाँ हैं, क्या उम्मीदें हैं? फुल जोरों शोरों पे तैयारियां है, तैयारी करा रहे हैं, टिकट देंगे और उसमें से एक जने को फाइनल करके चुनाव लड़ाएंगे। आपका 5 साल से जीत ही रहे हैं, जीत की पूरी उम्मीद है, पूरे साल कार्यकाल काम करते हैं, तो लोगों को भरोसा है हमारे ऊपर और हम 100% जीत के बताएंगे, हमेशा जीत ही रहे हैं, तो काम कर रहे हैं ना लोगों का, इसलिए सब साथ में हमारे। हाँ,